लोकसभा का बजट सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। स्पीकर ओम बिरला ने की सदन के स्थगित होने की घोषणा। 129% रही बजट सत्र की उत्पादकता। बजट सत्र में 13 विधेयक पारित हुए। प्रश्नकाल में प्रतिदिन औसतन 8 प्रश्नों के दिए गए उत्तर और जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सत्र स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने आभार जताया। सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री और सभी दलों के सांसदों का आभार ओम बिरला ने जताया। तो आपको बता दें, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है लोकसभा को, और ये जो सत्र है बेहद महत्वपूर्ण रहा, बेहद अच्छा रहा। 129% तक बजट सत्र की उत्पादकता रही। इसी के साथ साथ बजट सत्र में 13 विधेयक पारित किए गए। प्रश्नकाल में प्रतिदिन औसतन 8 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सत्र स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आभार जताया। जितने भी सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री हों या सभी दल हों, उन सांसदों का आभार जताया। और हमारे साथ दिल्ली से अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, तो ये अनिश्चितकालीन के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अब इस पूरे सत्र को देखें तो किस तरह से प्रोडक्टिविटी रही है, किस तरह से इस पूरे सत्र का कंक्लूजन है? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है बजट सत्र, और अभी आप देखेंगे कि संसद का जो बजट सत्र है वो अनिश्चितकालीन तक के लिए समाप्त हो चुका है। तस्वीरों में अभी पीसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ओम बिरला की, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, उनकी शुरू हुई, उसमें उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तमाम अन्य दलों के नेता के साथ भी मुलाकात की, जिसमें तस्वीरों में आप फारूक अब्दुल्ला को देख सकते हैं, उसके अलावा आप तमाम और लोगों को भी यहां पर देख सकते हैं। लोकसभा के बजट सत्र अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित। सत्र स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में पहुंचे तमाम बहुत सारे नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी मिलने आए, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल भी उपस्थित रहे, और सांसद मुलायम सिंह, टीआर बालू, संदीप बंदोपाध्याय, फारूक अब्दुल्ला ही पहुंचे, और सांसद जो है पीवी मिथुन रेड्डी, एनके प्रेमचंद, श्रीनिवास रेड्डी, तमाम लोग वहां पर पहुंचे। और देखिए, बेहद महत्वपूर्ण, करीबन जैसे आपने उसकी बात की उत्पादकता की, तो 129% बजट सत्र की उत्पादकता रही। और जब से ओम बिरला आए हैं उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है प्रोडक्टिविटी को लेकर, क्योंकि वो भी समय था जब बजट सत्र शुरू होता था और हंगामे की भेंट हो जाता था। तो 129% बजट सत्र की उत्पादकता रही है। बजट सत्र में 13 विधेयक पारित हुए हैं, और प्रश्नकाल में प्रतिदिन औसतन अगर एवरेज देखें तो 8 प्रश्नों के लिए उत्तर दिए गए हैं। जो भी सांसद और तमाम लोग अलग अलग राज्यों का जो प्रश्न उठते थे, उसमें से 8 प्रश्नों के जवाब मंत्री द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन की स्थिति को लेकर भी चर्चा की गई है, उस पर भी कई डिस्कशन हुए हैं, जो कि देश की स्थिति के लिए, देश में चर्चा होने के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। उसके अलावा सत्र स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी का आभार जताया, और जब सत्र शुरू भी होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि वो ये कहते हैं कि सभी सांसद जनता से चुनकर आए हैं, और जनता अगर मुद्दों को यहाँ पर उठाएंगे और जितना बहस होगी, जितना डिस्कशन होगा, उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और संसद का मान भी बढ़ेगा। संसद में सांसदों द्वारा जो डिसिप्लिन रहेगा उससे मान बढ़ेगा। और सत्र स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सभी को इस बात का धन्यवाद भी दिया, और सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री व सभी दलों के सांसदों का भी आभार जताया। और फिलहाल बजट सत्र समाप्त हो गया है। ओम बिरला प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जो पत्रकार हैं उनसे इन तमाम अपना जो भी कुछ हुआ है, जिस तरीके से भी सभी पार्टी के लोगों को साथ लेकर चल के जो डिस्कशन हुए हैं, और इसके अलावा राज्यसभा में भी जो बिल दिए गए हैं, तमाम चीजें हुई हैं, तमाम चीजों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ये एक प्रथा है अंत में, और उसके बाद सभी पत्रकार उनसे अलग अलग सवाल पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुरानी रिपोर्टों को भी उल्लेख समय समय पर कर सके। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा संवाद महत्वपूर्ण है, इसलिए समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर
सभी दलों को, लोगों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय भी दिया जाता है ताकि वो अपने लोकसभा क्षेत्र के भी और देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर सके। मुझे आशा है आपका इसी तरीके से अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा और आप इसी तरीके से संसद की कार्रवाई में, संसद की गतिविधियों में, संसद के अन्य कार्यक्रमों में सहयोग देते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भोजन पर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।